अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। टुडे 3rd जुलाई हो गई है 2020। दिस लेक्चर फॉर ऑल 10th बॉयज एंड गर्ल्स, और आज जो है वो आप लोगों की टेस्ट डिस्कशन है, जो आप लोगों को टेस्ट जो है वो मैंने दिया है उसको आप लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है। और अगर कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया हुआ है तो वो भी देख लें कि क्या उन्होंने जो है वो इसी मेथड से जो है वो उसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जैसा कि आप लोगों को पता है 25 मार्क्स का जो है वो आप लोगों का टेस्ट है, जिसमें MCQs होंगे और 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में से जो है वो पिछले साल के स्कीम के अकॉर्डिंग जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता था, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते थे, तो इसलिए जो है वो मैंने इसके और MCQs बहुत सारे इसमें से बनते हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर का टेस्ट बनाते हुए 10 नंबर के MCQs बनाए हैं और 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं इसलिए आप लोगों को टेस्ट में दे रही हूँ कि वो पिछले साल की बात थी, लेकिन अगर जो है वो अगले साल की बात करें तो ये पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को इसमें से आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है वो पहले से इसको तैयार रखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं MCQs की तरफ, जो कि 10 MCQs हैं जी। इन लेबोरेटरी MCQs नंबर 1 है, यूरिया वाज प्रिपेयर्ड बाय, लेबोरेटरी के अंदर जो है वो यूरिया किसने बनाया था तो वो आप लोगों ने बताना है। वॉलर ने बनाया था, बोहर ने बनाया था, रदरफोर्ड ने बनाया था या बर्जीलियस ने बनाया था, तो किसने बनाया था? वॉलर ने। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। और किससे बनाया था? अमोनियम साइनाइड से। MCQs नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टार्च, इनमें से किस में स्टार्च नहीं होता। ठीक है, तो स्टार्च आप लोगों ने बताना है कि इनमें से किस में नहीं होता। स्टार्च जो है वो आप लोगों के पास नशास्ता भी इसको कहते हैं, और इसकी एक और टाइप जो कपड़ों को माया दी जाती है वो भी स्टार्च ही होता है। तो स्टार्च जो है वो शुगर केन के अंदर नहीं होता, कि गन्ने के अंदर जो है वो ग्लूकोज ही होता है, उसमें स्टार्च जो है वो नहीं होता। तो शुगर केन जो है वो गन्ने को कहते हैं। सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। MCQs नंबर 3, कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, कोल गैस जो है वो किन चीज़ों का मिक्सचर है। तो आप लोगों ने ये कोल गैस वाले में जो है वो फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैस का मजमुआ है। ठीक है, सी वाला इसका भी सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। MCQs नंबर 4, हाउ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द कोल टार मिक्सचर, कोल टार मिक्सचर के अंदर कितने जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये कोल टार वाले जो हैं वो पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं, और वो आप लोगों ने पढ़ा है कि मोर देन जो हैं वो 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, मोर देन 200 जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। MCQs नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है पिच इज अ ब्लैक रेजिड्यू ऑफ, पिच जो है वो ब्लैक रेजिड्यू होता है। रेजिड्यू कहते हैं बचने वाले को, यानी कि आप लोगों ने कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की और उसके बाद अमोनिकल लिक्वर की भी की, उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कोल टार की भी की। ठीक है, तो कोल टार की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो चीज़ बच जाती है उसको आप लोग पिच कहते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है, और ये आप लोगों के पास है कोल टार। कोल टार का जो है वो ब्लैक रेजिड्यू जो होता है उसको आप लोग पिच कहते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। उसके बाद आ जाता है
MCQs number 6. Coke is dash percent carbon. Coke जो है वो कितने percent carbon होती है? तो कोक के बारे में भी आप लोगों ने जो है वो पहली लाइन में ही इसको पढ़ा है कि कोक के अंदर जो है वो कितने परसेंट कार्बन होती है. तो 98% जो है वो कार्बन होती है. इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. एमसीक्यूज नंबर 7. विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर फर्टिलाइज़र. इनमें से कौन सी चीज़ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो वो आप लोगों ने जो है वो जो प्रोडक्ट्स थे कोल गैस अमोनिकल लीकर कोल तार, उनमें जो है वो आपने इनके यूजेस पढ़े थे. तो यूजेस में आप लोगों ने देखा था कि अमोनिकल लीकर जो है वो उसको आप लोग हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. MCQs number 8. Carbonization process is the conversion of. Carbonization process जो है वो किस चीज़ की conversion का नाम है? ठीक है, तो वो आप लोगों ने ये भी coal वाले में formation of coal में जो है वो लाइन पढ़ी है कि ये wood into coal जो है कि लकड़ी को कोयले में कन्वर्ट करना carbonization कहलाता है. C वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. MCQs number 9. The bond energy of carbon-carbon bond is carbon-carbon bond की bond energy कितनी होती है? तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि carbon-carbon की bond energy carbon-oxygen की नस्बत जो है वो ज़्यादा होती है. इसीलिए ये catenation जो है वो show करता है. catenation वाले paragraph में है इस MCQs का answer. तो इसका आंसर है 355 किलो जाउल पर मोल. ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है. एमसीक्यू नंबर 10. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट कोल. इनमें से कौन सा जो कोल है, कौन सा कोयला जो है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है? तो वो आप लोगों के पास है एंथ्रासाइट. डी वाला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जिसमें 90% जो है वो कार्बन होती है. ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो कुछ आपकी एक्सरसाइज में से भी हैं और कुछ जो हैं वो अंदर से भी लिए गए हैं. तो अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने इसको याद कर लेना है. इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है. डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है. ठीक है, तो आप लोग जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी लिख के भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप जो हैं वो ऊपर से ये दो लाइनें भी लिख दें तो और अच्छी बात हो जाएगी. ठीक है, तो एंड तक ये वाइटल फोर्स थ्योरी ही लिखी हुई है. तो ये आप लोगों ने जो है वो इसका आंसर लिखना है. याद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला. गिव एग्जाम्पल. स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आप लोगों ने क्या होता है ये बताना है और उसकी मिसाल भी देनी है. तो स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन इसके अंदर लिखनी है आप लोगों ने. ठीक है, तो वो आप लोगों के पास जो है वो सब्सटेंसेस तक जो है वो ख़त्म हो जाती है. और ये आगे जो है वो इसकी और इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, अगर तो किसी बच्चे को अच्छे तरीके से ये आता है, ये वाली लाइंस आती हैं, तो वो लिख दें. और अगर किसी को बड़ा लग रहा है तो वो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड से लेकर जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस तक जो है वो इसकी डेफिनेशन लिख लें. इतनी तो आप लोगों को जो है वो अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए. ठीक है, और नीचे जो है वो दो एग्जाम्पल इसकी दी हुई हैं. अगर किसी बच्चे को दोनों एग्जाम्पल याद होती हैं तो वो दोनों लिख दें, लेकिन एक जो है वो लिखनी मस्ट है. ठीक है, बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3. डिफाइन आइसोमेरिज्म विद एग्जाम्पल. तो मैंने जब आप लोगों को आइसोमेरिज्म पढ़ाया था उसमें आइसोमर की डेफिनेशन थी. मैंने आप लोगों को कहा था इसी के एंड पे जो है वो एक लाइन ऐड कर लीजिएगा. तो
तो ये आइसोमेरिज्म की भी डेफिनेशन बन जाएगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऐड करके दे दी है कि दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, कि ये ऊपर वाली सारी डेफिनेशन लिख के ना आप लोगों ने नीचे लिखना है कि ये फिनोमिना जो है ये आइसोमेरिज्म कहलाता है, और फिर आप लोगों ने जो है वो ये एग्जांपल लिख लेनी है। अच्छा, तो जैसे मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूले में कहा कि आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, आइसोमेरिज्म के केस में आप लोग जो हैं वो ये एक एग्जांपल नहीं लिख सकते, आपको ये तीनों एग्जांपल लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। नहीं तो जो मैंने आप लोगों को ब्यूटेन वाले आइसोमर्स करवाए हैं, तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, आप वो वाली फिर लिख लें, दो आइसोमर्स लिख लें, ठीक है। लेकिन अगर पेंटेन के लिखने हैं तो फिर ये तीनों ही आप लोगों को एग्जाम्पल में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय कैटिनेशन। कैटिनेशन की डेफिनेशन आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल लिखनी है। अगर किसी को कंडीशंस जो हैं वो अच्छे तरीके से आती हैं और आपके पास टाइम भी मौजूद है, आपने टेस्ट को और पेपर को गिवन टाइम के अंदर कम्प्लीट करना होता है, ये भी आप लोगों ने देखना है साथ साथ, तो आप लोग जो हैं वो फिर कंडीशंस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग जो हैं वो कंडीशंस छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैटिनेशन के बारे में पूछा हुआ है कि इसका क्या मतलब है, तो डेफिनेशन यानी कि आपने इसके अंदर लिखनी है। अब एग्जांपल में देखें, एक मैंने जो है वो आप लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख के दिखा दिया है। एन ब्यूटेन हेप्टेन है, 7 इसके पास जो है वो कार्बन है। अब ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों को जिगजैग कंपाउंड नजर आ रहा है, असल में ये भी नॉर्मल हेप्टेन ही है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसके दोनों कोनों को पकड़ के जो है वो खींच देते हैं, CH3 CH3 को दोनों तरफ से पकड़ के जो है वो खींच देते हैं, तो तब भी ये स्ट्रेट चेन ही बनेगी, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो फिर ये भी नॉर्मल हेप्टेन ही है, ये कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने सिर्फ जो है वो ऐसे देखें, कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अलहदा से जो है वो स्ट्रेट चेन हो और उसके साथ कार्बन अटैच हो ब्रांच की फॉर्म में। तो आप जब इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये सीधी हो जाएगी, तो ये भी आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, स्ट्रेट चेन हेप्टेन। बाद आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आप लोगों से पूछा गया है कि राइट द टाइप्स ऑफ कोल। कोल की जो है वो आप लोगों ने टाइप्स लिखनी है, तो आपने सिर्फ जो है वो इसमें इसकी नाम नहीं लिखने, ठीक है, आपने एज इट इज जो है वो पूरे का पूरा टेबल लिखना है। अगर किसी बच्चे को टेबुलर फॉर्म में आसान लग रहा है, टेबल की फॉर्म में आसान लग रहा है, तो वो टेबल की फॉर्म में लिख लें। लेकिन अगर कि कोई बच्चा ये चाह रहा है कि मैं हर एक को लदा लदा करके लिखूं, ठीक है, कि पीठ की हेडिंग बनाऊं और उसके नीचे लिखूं द कंटेंट्स ऑफ कार्बन इन पीठ इज 60%, और उसके बाद यूजेज की हेडिंग बना के फिर उसके यूजेज लिखूँ सेपरेट, तो भी जो है वो ठीक होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आप लोग जो है वो दूसरी तरह से भी अलग अलग सेपरेट को भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई है 10th क्लास के बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन पे डिटेल नोट लिखें। तो आपने सबसे पहले जो है वो इस तरह से ही जो है वो डायग्रामेटिकली पहले उसको बनाना है, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों ने इसकी 1 by 1 करके जो है वो टाइप की जो है ये क्लास की जो है वो डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखते जाना है, ठीक है। ओपन चेन की सबसे पहले आप लोगों के पास डेफिनेशन और एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है, और दोनों ही नाम इसके लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रेट चेन कंपाउंड की एग्जांपल लिखनी है, और एग्जांपल भी लिखनी है और डेफिनेशन भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने ब्रांच चेन जो है वो कंपाउंड की डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड की जो है वो डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक की डेफिनेशन प्लस एग्जांपल लिखनी है, और एरोमेटिक और बेंजीनाइड कंपाउंड की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है, और
एलिसाइक्लिक और नॉन बेंजीनाइट कंपाउंड की जो है वो आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है, एंड पे जो है वो आप लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है। ठीक है, तो समझ आ गया आप लोगों को कि इस तरह से जो है वो आप लोगों ने हर एक की डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको सेपरेट सेपरेट जो है वो आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दिया है क्योंकि ये पिछले बोर्ड के पेपर्स में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। ठीक है, अब ये पिछले जो है वो लास्ट टाइम वाले की बात नहीं हो रही कि जिसमें मैंने कहा कि ये तो सिलेबस में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे चैप्टर शामिल ही नहीं था। इससे भी पहले जो है वो यानी कि 2013, 2014, 2015 की बात करें तो उनमें जो है वो ये चैप्टर शामिल था, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आता था। ठीक है, थैंक यू 10th क्लास। अच्छे तरीके से टेस्ट को जो है वो लिख के सेव कर लीजिएगा और इसकी फाइल अलहदा से बना लीजिएगा टेस्टों की, ताकि मैं जो है वो आसानी से हर एक बच्चे के जो है वो टेस्ट दोबारा से चेक कर सकूं। ठीक है।